भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आम आदमी पार्टी से डर गई है, अरविंद केजरीवाल जी से पूरी तरह से डर गई है। कल इन्होंने गुजरात पुलिस को हमारे अहमदाबाद के दफ्तर में भेज दिया। इनको पता था कि आज अरविंद केजरीवाल जी का दौरा है वहां पे। उससे पहले इन्होंने गुजरात पुलिस को अहमदाबाद हमारे ऑफिस में भेजा और एक एक कोना सर्च किया, इसी तरह से जैसे इन्होंने मनीष जी के यहां सर्च किया, कुछ नहीं मिला। गुजरात के दफ्तर में भी कुछ नहीं मिला। सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि पुलिस कह रही है कि ऐसा कोई वारंट नहीं था। जब ऐसा कोई वारंट नहीं था तो आपने क्यों सर्च किया? अब पकड़े गए तो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। सच्चाई तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डर गई है। गुजरात में ये चुनाव हार रहे हैं पूरी तरह से। गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी बहुत पीछे हो गई है, आम आदमी पार्टी नंबर दो पे आ गई है और हमारे और भारतीय जनता पार्टी के बीच में गैप बहुत कम है। हम अगले कुछ ही दिनों में वो गैप भी पूरा कर देंगे, क्योंकि गुजरात की जनता इनके 27 साल के शासन से परेशान हो चुकी है। गुजरात की जनता परिवर्तन चाहती है, गुजरात की जनता बदलाव चाहती है। गुजरात की जनता को खूब ठगा गया, अब गुजरात की जनता बदलाव चाहती है और वो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल में एक होप दिखती है। उनको लगता है जिस तरह से दिल्ली के अंदर काम हो रहा है, जिस तरह से पंजाब के अंदर काम हो रहा है, उस तरह से गुजरात के अंदर क्यों नहीं काम हो सकते हैं? और एक बड़े बदलाव की तरफ गुजरात बढ़ रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के नेताओं को डरा रही है, आम आदमी पार्टी के ऑफिस में छापा मार रही है। मिल कुछ नहीं रहा, क्योंकि हम लोग कट्टर ईमानदार और कट्टर देशभक्त लोग हैं। गुजरात के लोगों ने अब तय कर लिया है कि वो बदलाव लाएंगे और एक बहुत बड़ा बदलाव गुजरात के अंदर लाएंगे। आने वाले समय में आम आदमी पार्टी वहां पे चुनाव जीतेगी और सरकार बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।